अक्सर छात्रों को परीक्षा देने के बाद अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और वही जब बात बोर्ड परीक्षा की हो तो फिर क्या ही कहने, जब तक रिजल्ट ना आए छात्र बस इंतजार ही करते रहते हैं। लेकिन अब खबर है यूपी बोर्ड को लेकर। जिन छात्रों ने इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दी है, अब उन्हें परिणामों के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। बोर्ड आज दोपहर 2 बजे परिणामों की घोषणा करेगा। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड आज यानी 20 अप्रैल को हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने वाला है। बोर्ड के अध्यक्ष आज दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। निर्वाचन आयोग और शासन की अनुमति शुक्रवार देर शाम मिलने के बाद सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने तिथि घोषित कर दी। परिणाम की घोषणा यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में की जाएगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटर रिजल्ट uprizult.nic.in, upmsp.edu.in, वही results.upmsp.edu.in पर भी चेक किया जा सकेगा। यूपी बोर्ड में जितने विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं इतने देश के किसी बोर्ड में नहीं होते। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड भी कहा गया है। इस बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की संयुक्त रूप से यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 55,25,308 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। उनमें से कक्षा 12वीं में 29,47,311 छात्र पंजीकृत थे, जबकि वही कक्षा 10वीं में 25,77,997 छात्र परीक्षाओं के लिए पंजीकृत थे। इतने अधिक स्टूडेंट्स की करोड़ों कॉपियों को बेहद कम समय में चेक करना सराहनीय है। रिजल्ट जारी होने के बाद आप uprizults.nic.in पर जाएं। होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। यहाँ यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन मैट्रिक रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करके सबमिट करके इस पर क्लिक करें। आपका यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा और इसे फिर आप आराम से चेक कर सकते हैं। अपना प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास जरूर रख लें। जाहिर है कि मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च को संपन्न हो गया। इसके बाद परिणाम तैयार कराया गया। बोर्ड के इतिहास में यह सबसे जल्दी परिणाम घोषित होने का नया रिकॉर्ड होगा। इसके पहले वर्ष 2023 की परीक्षा का परिणाम सबसे जल्दी 25 अप्रैल को घोषित किया गया था। इस बार 5 दिन पहले परिणाम जारी किया जा रहा है। रिजल्ट जारी करने से पहले UPMSP यूपी बोर्ड ने सभी कमियां पूरी कर ली है। स्टेट व जिला टॉपरों की कॉपियां फिर से चेक की गई है। सभी डेटा मंगवाकर अंकों को मिलान किया गया है। परिणाम में कोई त्रुटि ना हो, ऐसे में पूरी एहतियात बरती गई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।